नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सेतवा आज बड़वानी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुभद्रा परमार के तत्वावधान में कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा सेतवा एसडीएम महोदय को मणिपुर में महिला के साथ हुई घटना के संदर्भ में मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग का महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें महिला कांग्रेस बड़वानी जिला अध्यक्ष सुभद्रा परमार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरचरण सिंह भाटिया, जिला उपाध्यक्ष विमला सोलंकी, सेतवा महिला कांग्रेस अध्यक्ष शीन कुमारी यादव, सेतवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ज्योति पाटिल, उपाध्यक्ष मति उषा सैनी, पांचेबल ब्लॉक अध्यक्ष सुभद्रा और युवा नेता अमित गुर्जर, पूर्व पार्षद युवा नेता प्रिंस शर्मा, आदि वरिष्ठ नेतागण और युवा नेता उपस्थित रहे। जघन्य कृत्य करने वाले दोषियों को फांसी की सजा देने बाबत महामहिम महोदया, जैसा कि आप अवगत है, मणिपुर में तीन आदिवासी महिलाओं का गैंग रेप और निर्वस्त्र कर घुमाने जैसा जघन्य कृत्य किया गया है। यह घटना बर्बरतापूर्व भयानक है। इस घटना ने देश को शर्मसार किया है। लगभग तीन महीने से मणिपुर से हिंसा जारी है, जहां कुकी नागा आदिवासी समुदाय को टारगेट कर उत्पीड़ित किया जा रहा है। हिंसा को काबू करने में मणिपुर सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई। सैकड़ों लोगों, महिला और बच्चों की हत्या की गई, हजारों लोग घायल है, लगभग 7,000 लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर है। देश भर में आदिवासियों के तेजी से लगातार जघन्यतम अत्याचार और अन्याय हो रहा है। यह इसकी एक कड़ी है। अतः आपसे निवेदन है कि आदिवासी महिलाओं के साथ जघन्यतम कृत्य कर देश को शर्मसार करने वाले दोषियों को फांसी की सजा देने, मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने और देश के आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करने की कार्रवाई करें। धन्यवाद। आज हमने किले गेट से धरना प्रदर्शन किया एवं ज्ञापन दिया गया है। आज हम मणिपुर मुख्यमंत्री का इस्तीफे की मांग करते हैं, क्योंकि मणिपुर राज्य में जिन महिलाओं के साथ अपराध किया गया है, उन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हम मुख्यमंत्री का इस्तीफा की मांग करते हैं। क्या घटना हुई थी मणिपुर में? मणिपुर में दो महिलाओं के साथ बिना वस्त्र कर भीड़ द्वारा जुलूस निकाला गया। ऐसी शर्मसार घटना पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मैं ऐसी घटना आगे और ना हो, इसलिए हम महिला कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।